कमलनाथ सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री कमलेश्वर पटेल ने एमपी न्यूज के संपादक महेंद्र सिंह सोनगिरा से खास बातचीत की। इस दौरान मंत्री कमलेश्वर पटेल ने ग्रामीण विकास को लेकर रोड मैप साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने मीसाबंदी और स्मार्ट सिटी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। देखिए एमपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत के दिल मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास का जिम्मा है श्री कमलेश्वर पटेल जी के पास। किस तरह की उनकी प्राथमिकताएं हैं और अब विधानसभा के सत्र के पहले दिन किस तरह से उन्होंने आगे अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए, सीधे उनसे बात करते हैं। माननीय मंत्री जी, किस तरह की योजनाएं आपकी नजरों में है और क्या लगता है मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास को लेकर बहुत सारी संभावनाएं हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी योजना, उसका सही ढंग से क्रियान्वयन होना चाहिए। बात हितग्राही भटकना नहीं चाहिए। हमारी तरफ से चाहे आपका मजदूरी से रिलेटेड हो या खाद्यान्न पर्ची बनना हो, ऐसे लोग भटकते हुए नहीं मिलना चाहिए। पात्र लोगों को उसका फायदा मिलना चाहिए। दूसरा, आपका ग्राम पंचायतों का समुचित विकास हो, मास्टर प्लान होना चाहिए। ग्राम पंचायतों का प्लानिंग नहीं है। एक तो हमारी प्राथमिकता में है कि कहीं भी कुछ भी नहीं बने, प्लानिंग वे में बनेगा तो गांव का भी सुनियोजित विकास होगा। बिल्कुल। और जो पंचायती राज व्यवस्था की हमारी, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने संवैधानिक व्यवस्था की, जो महात्मा गांधी जी का जो सपना था जिसको पिछली सरकार ने 15 साल में ध्वस्त कर दिया था, उनका पूरा आकार ही, जो उनके अधिकार थे जनप्रतिनिधियों का, वो सब छीन लिया। तो हमारी वो प्राथमिकता है कि उनके अधिकार फिर से बहाल किए जाएं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके सारे उस पर काम करेंगे। क्या लगता है केंद्र की मोदी सरकार जो है स्मार्ट सिटी को लेकर एक बड़ा फंड, एक बड़ी योजना, महत्वाकांक्षी योजना बना रही है, क्या स्मार्ट गाँव भी होने चाहिए आपकी नज़र में मध्य प्रदेश में लगता है? देखिए, ऐसा है कि स्मार्ट शब्द ही गलत है। पहली बात तो ये है कि जब हमारी मूलभूत सुविधाएं सुनियोजित ढंग से गांवों में विकसित होगी और लोगों को लाभ मिलेगा, तो अपने आप ही जब प्रदेश की जनता खुशहाल होगी, देश की जो ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोग जब खुशहाल होंगे, तो अपने आप सारी चीज़ें, तो ये नाम देने से काम नहीं होता। ये तो सिर्फ नाम ही देते रह गए। ग्राम उदय से भारत उदय भी कर डाला और स्मार्ट सिटी भी बना डाली, पर कहीं दिखाई नहीं दिया। देखिए, हमारी सरकार चाहे देश में रही हो चाहे प्रदेश में, जब भी रही है काम करके दिया है। और प्रदेश की जनता को एहसास होना चाहिए, प्रदेश में रहने वाले लोगों को एहसास होना चाहिए कि हमको लाभ मिल रहा है। जो योजनाएं हैं उसका लाभ हितग्राहियों को मिलना चाहिए, लोगों को महसूस होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। क्या लगते हैं, विधानसभा का सत्र शुरू हो गया, कश्मकश का वातावरण भी है, प्रोटेम स्पीकर भी आ गया, लेकिन बीजेपी ने विजय शाह जी को विधानसभा अध्यक्ष के लिए मैदान में उतार दिया, क्या कोई चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस के स्पीकर बनेंगे और डिप्टी स्पीकर भी कांग्रेस के बनेंगे, अगर वो चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने रहते हैं तो। एक ही वंदे मातरम को लेकर पहले हंगामा हुआ, अब मीसाबंदियों की पेंशन बंदी को लेकर के भी हंगामा है आपके। देखिए, जिनको वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं है वही वंदे मातरम करते हैं, तो ये तो कोई इशू है ही नहीं। और रही मीसाबंदियों को जो पेंशन का इशू था, वो तो पिछली सरकार ने बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय किया था। इतने सारे लोग जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से रहे हैं, और हमारी पार्टी के तो ऐसे हर आदमी, हर नेता, हर कार्यकर्ता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से, जिसने देश को आज़ादी दिलाई, तो देश को आज़ादी दिलाना, अगर हमने अपने कर्तव्यों का, अपनी विचारधाराओं का निर्वहन करने के लिए अगर हमने कोई काम किया है, तो उसके लिए हमको पेंशन चाहिए, ये हम समझते हैं कि हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारा दायित्व है कि अगर हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं तो उसको करना चाहिए, और उसके लिए हमको ये अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि हमारी कोई पेंशन सुनिश्चित हो जाए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, और मीसाबंदियों ने कौन सा देश की आज़ादी के लिए काम किया था कि उनको पेंशन चाहिए, तो ये तो पूरी तरह से गलत निर्णय था, और इस पर जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है स्वागत योग्य है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। तो ये थे मध्य प्रदेश के ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल जी, जो कि बता रहे थे कि स्मार्ट वर्ड से ही उन्हें ऐतराज है और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास को लेकर वो लगातार सकारात्मक कदम बढ़ाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़ भोपाल।